हेलो दोस्तों, मैं रोहित और आप सबका स्वागत है रोहित कैंडिड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बात करने वाले कि आपके भी डेस्कटॉप पर यहाँ पर हिडन आइकॉन्स है, यहाँ पर आप और यहाँ पर मोस्टली शो द आइकॉन्स जैसे कि डिस्प्ले, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल जैसे यहाँ पर देख नहीं सकते दोस्तों, और अभी तक वो अभी हिडन है दोस्तों, और इसे हम यहाँ पर कैसे शो करें, यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर मोस्टली यूजेबल एप्स यहाँ पर डिजेबल है मेरे डेस्कटॉप पर, यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ पर आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर आपको सिंपली नीचे देख लेना है, यहाँ पर पर्सनलाइज़र, पर्सनलाइज़र सिंपली क्लिक कर देना है, और क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका यहाँ पर सेटिंग्स खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर फाइव ऑप्शन मिलेंगे, और यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर थीम्स पर जाकर जाना है दोस्तों। यहाँ पर थीम्स जाते ही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स से यहाँ पर बता रहा है दोस्तों, यहाँ पर थ्री और है, और यहाँ पर आपको सिंपली सेकंड वाला यहाँ पर चूज कर लेना है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, और आपको यहाँ पर इस पर टिक कर लेना है, इस पर्टिकुलर आपको जो जो यहाँ पर चाहिए दोस्तों, जिसकी मैं कंट्रोल पैनल यहाँ पर ये तीन मुझे चाहिए दोस्तों, यहाँ पर तो मैं सिंपली इसे अप्लाई कर सकता हूँ, अप्लाई करके ओके कर दूंगा दोस्तों। और यहाँ पर आप इसका आइकन भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों, जिसकी मैं डिस्प्ले है, इसका नेम भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं चेंज आइकन पर क्लिक करूंगा दोस्तों। यहाँ पर ढेर सारे आइकन्स आ जाएगी, तो मैं यहाँ पर यही वाला चूज करके रखा हूँ, यही वाला अच्छा लगता है दोस्तों। आप चाहे तो अपने मन के हिसाब से कोई भी यहाँ से ऐसे करके चूज कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों मैं अभी इसी रखता हूँ, सिंपली इसे कैंसिल कर देता हूँ, और कैंसिल करके अप्लाई पर क्लिक करता हूँ, और ओके पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं अब दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डीपीसी, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल तीनों यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कीजिए।